खेलों में दुनिया को बदलने की शक्ति है। ये शब्द हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का। तो ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 में किस प्रकार से होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितना समय मिलेगा और टोटल कितनी सीटें होती है वंस यू क्लियर द थियोरी पेपर, देन आपका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होंगे, कितने अंकों का होगा और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है ताकि इस एग्जामिनेशन को पास करें और BHU जैसे यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। तो मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करें, बहुत कृपा होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन समय पर नहीं मिल पाती है, जिनके पास नेट भी एक्सेसिबल नहीं है, स्मार्टफोन्स भी नहीं है, तो कृपया किसी भी तरीके से जितने लोगों को पहुँचा सको इन्फॉर्मेशन, कैसे भी किसी भी माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ, यही मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ और निवेदन भी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में BPED के लिए टोटल 50 सीटें हैं, 50 सीट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया। 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है, 2 साल का कोर्स, और इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो आपका थ्योरी पेपर होता है और थ्योरी पेपर कट ऑफ लिस्ट क्रॉस करने के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के देखरेख में होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी पेपर का, जो 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें, और 300 अंकों का ये पेपर होगा। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा, 100 प्रश्न होंगे आपके, 300 अंक हो गए, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का हुआ तो 100 × 3 = 300। टोटल समय दिए जाएंगे आपको 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समय कम नहीं है। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी है आपके लिए 1/3, अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक मार्क लूज कर देंगे आप। अब हम आते हैं कि पैटर्न किस तरीके का होगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े बहुत एप्टीट्यूड से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स ओनली। ठीक है, तो ये रही आपके ये बात। इसको तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको BHU के साइट पे पिछले 5 साल के पेपर मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का खेल अंक आता है, एक अलग से एडिशन आता है खेल अंक, स्पोर्ट्स एडिशन, उसको पढ़ जाना है। प्रतियोगिता दर्पण का खेल अंक यानी कि स्पोर्ट्स एडिशन मैगजीन आती है, 6 महीने की भी होती है, 1 साल की भी होती है, उसको कृपया खरीद करके पूरा पढ़ जाएं। अभी भी 10 दिनों में पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, खेल अंक में सब कुछ दिया होता है, कौन खिलाड़ी क्या खेलता है, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व भर के गेम्स के बारे में, अभी क्या हुए, पिछले 5 महीने में क्या हुए थे, पिछले 1 साल में क्या हुए थे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट एंड फ्रॉम दैट बुक ओनली, फ्रॉम दैट पोर्शन ओनली क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आर आस्क्ड इन द BPED एग्जामिनेशन। 300 अंक की ये परीक्षा होगी, इसका एक कट ऑफ होगा, मिनिमम 45% मार्क्स तो आपको स्कोर करने होंगे कम से कम, क्योंकि मान लिया जाता है क्योंकि सीटें कम है, ये रखते हैं इतना ही। और इसके साथ ही साथ आपको क्या है कि हर गेम्स की जानकारी होनी चाहिए कि इसमें खिलाड़ी कितने खेलते हैं, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं, उसके खेल खेलने के जगह को क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो जहां पे बेसबॉल खेला जाता है, जो अमेरिका का नेशनल गेम है बेसबॉल, उसके प्लेग्राउंड को बोलते हैं डायमंड के नाम से जाना जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, BHU BPED वाले एग्जामिनेशन में। एक बार आप कटअप को क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रायल जो है आपका 50-50 अंक के 6 इवेंट होंगे, टोटल 300 मार्क्स के होंगे, वो BHU प्रांगण में ही होंगे। तो उसमें आपका एक शटल होगा, एक दौड़ होगी, स्प्रिंट होगी, ऑलराइट, एक लॉन्ग जंप होगा विदाउट रनिंग, ओके, एंड देन एक बॉल थ्रो होगा पीछे फेंकने का, ओके। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, जो कि आपके
300 अंक के होंगे, 50-50 अंक होंगे सभी के, तो 6 टोटल इवेंट्स बनते हैं, ये 300 अंक के होंगे। और एक बार जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपका अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा। हाँ, जिनके पास भी स्पोर्ट्स सीट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हुआ है, जिन्होंने स्टेट लेवल खेला हुआ है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ है, या उससे भी अलग अलग तरीके के हर जगहों पे होते रहते हैं, ओपन नेशनल खेला हुआ है, तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट है और उसमें मेडल लिया हुआ है तो उनके लिए अलग से प्रेफरेंस मिलेंगे, उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो दिस आर ऑल द थिंग्स विच इंक्लूड द BHU BPED एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर सुनकर ज़रूर ही लाभ हुआ होगा और आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो BHU में सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप जहाँ से भी स्विमिंग ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, बॉक्सिंग ले लीजिए, इसके अलावा इंडोर गेम्स में बैडमिंटन ले लीजिए, खो खो ले लीजिए, इसके साथ ही साथ आप रेसलिंग ले लीजिए, वेट लिफ्टिंग ले लीजिए, तीरंदाजी इज़ देयर, देन शूटिंग इज़ देयर, एवरीथिंग एवरी स्पोर्ट्स इज़ अवेलेबल इन BHU कैंपस। स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, सारे गेम्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी गेम के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जो भी गेम अच्छे से खेलना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए महामना एजुकेशन हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्रेड।